सो वेरी गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड एडमी वेलकम टू क्रिएट्रिक्स तो इंजीनियरिंग बर्फी के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी के शॉर्टकट्स के बारे में तो so, ये एक शॉर्ट सेशन आपके सारे के सारे टीचर्स कंडक्ट कर रहे हैं ताकि आप बहुत ही कम लिमिटेड टाइम में और अच्छी तरीके से हर एक कंसेप्ट को एब्जॉर्व कर पाओ हर एक कंसेप्ट को समझ पाओ और उनके पीछे जो कोई शॉर्टकट्स होते हैं कोई लॉजिक होते हैं उसको भी आप अच्छी तरीके से ग्रास कर पाओ तो so, इसके जस्ट इमीडिएट पहले वाले सेशन में हम लोगों ने बात करी थी गेन मार्जिन के शॉर्टकट की होपफुली वो सेशन आपने देखा नहीं देखा तो आप प्ले में जाके इंजीनियरिंग बर्फी के सेशन को ज़रूर चेक करो और वो सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा चलो फिर ये सेशन भी स्टार्ट करते हैं उससे पहले आ, मैं आपको बता दूं कि अकेडमी प्लस पे अभी आपको एक बिल्कुल ही नया फीचर मिल गया वो है डाउट सॉल्विंग के बैचेस पहले डाउट सॉल्विंग सेशंस होते थे जो कि आपके प्लस के साथ इंक्लूडेड होते थे बट अभी डाउट सॉल्विंग आपको बैचेस भी मिल जाएंगे और उसके साथ साथ लाइव क्लासेज क्रैश कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी के बैचेज वीकली टेस्ट ये तो आपको मिल ही रहे हैं अपार्ट फ्राम दैट आपका जो आइकोनिक सब्सक्रिप्शन है उसमें पर्सनल कोच स्टडी प्लानर स्टडी बूस्टर सेशन और टेस्ट एनालिसिस तो आपको कंप्लीट मिली जाती है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलता है बट जो प्लस यूजर्स हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है आपका पर्सनलाइजेशन और डाउट सॉल्विंग सेशन आप ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हो जस्ट बाई यूजिंग दिस कोड ये कोड लगा लो और अन अकेडमिक प्लस पर आप इमीडियटली एंटर कर सकते हो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं कल से पढ़ने के लिए सभी लोग वैसे ही रेडी हैं तो जैसे मैंने बताया कल से कंट्रोल सिस्टम आपका स्टार्ट हो रहा है कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स और उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर कोई प्री है क्या तो सबसे पहले तो मैं यही क्लियर कर देना चाहता हूँ कोई ऐसा प्री रिक्वेज नहीं है जो भी होगी क्लास में मैं कंप्लीट कराऊंगा 120 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें आपको हर हफ्ते क्विज मिलेगा जैसा यहाँ पे लिखा भी हुआ हर क्लास के बाद आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा मेगा क्विज मिलेगा ऑन डिमांड आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे अगर आपको लगता है कि नाइक्विस्ट के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं स्टेट्स वेज के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप डिमांड करोगे सेशनस यहाँ पे लग जाएंगे आपको अमेजिंग शॉर्टकट्स मिलेंगे वो अमेजिंग शॉर्टकट्स आप यहाँ पे भी एक झलक उसकी देख पा रहे हो बाकी प्लस कोर्स में तो और एडवांस तरीके से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और इसमें हर चौथी क्लास आपके डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगी किसी भी क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो उसके अलावा देखो ये है सारी की सारी रैंक जो हमने प्रोड्यूस है लास्ट ईयर जैसे मैंने बोला था आपको कि लास्ट ईयर हमने ड्रीम देखा था कि जो भी स्टूडेंट मेहनती जिन्होंने भी बहुत हार्डवर्क किया उनका लिस्ट में नाम ज़रूर आना चाहिए था तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट टॉप हंड्रेड में जिन्होंने हमसे पढ़ाई करी थी उनकी रैंक आई है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि नेक्स्ट ईयर आप भी इस लिस्ट का हिस्सा बनो और आप भी हमारे साथ आके सेम यूट्यूब चैनल्स पर रिव्यू इंटरव्यू करो और देखो ये आपका आ, डाउट बैच है तो डाउट बैच में जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर संडे हर ट्यूसडे में आपका दो बजे से लेकर तीन बजे तक मैथ्स और सिग्नल्स के डाउट्स लेता हूँ तो अगर आप भी चाहो तो मैथ्स और सिग्नल्स के डाउट्स के अलावा जो भी डिफरेंट डाउट्स आ रहे हैं वो आप डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पूछ सकते हो तो जब भी आप प्लस पे आते हो ऐसा एक प्रॉपर आपको शेड्यूल मिल जाता है कि प्लस क्लासेस के अलावा इन पर्टिकुलर डेज़ में भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो ठीक है तो यहाँ तक आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गई आइए देख देखते हैं कि हमें कंट्रोलेबिलिटी uh, और ऑब्जर्वेबिलिटी को जज करने में कितना टाइम लगना चाहिए जस्ट बाई यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट तो पहले इस कॉन्सेप्ट का नाम मैं बाद में बताता हूँ पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं सपोज आपके पास ये कितनी बड़ी मैट्रिक्स आ गई स्टेट स्पेस में तो ये आपको लिखा हुआ एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो तो सभी लोगों को दिख रहा होगा कि यार ये वैल्यू पूरी की पूरी हो जाती ए और ये तो हो गया एक्स सिमिलरली ये वैल्यू आपकी हो जाती बी और ये तो हो गया आपका डी सॉरी सी है ना बाकी डी हो तो यहाँ पर ज़ीरो तो अगर आप यहाँ पे जज करने की कोशिश करो कि इतनी बड़ी मैट्रिक्स का अगर हम लोग कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी निकालने बैठ जाते बाय यूजिंग कालमन टेस्ट या बाय यूजिंग एनी अदर टेस्ट तो फिर तो बहुत हालत ख़राब हो जाती क्योंकि एक तो मैट्रिक्स यहाँ पे कितने की दे रखी है आपको अगर आप देखो तो फाइव क्रॉस फाइव के मैट्रिक्स दे रखी फाइव क्रॉस फाइव के मैट्रिक्स में अगर कहीं आप कंट्रोलेबिलिटी चेक मैट्रिक्स या ऑब्जर्वेबिलिटी चेक मैट्रिक्स बनाने बैठ जाते फिर तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि फिर आपको हर एक बार मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है बी निकालना पड़ता है ए बी निकालना पड़ता है ए स्क्वायर भी निकालना पड़ता है ए क्यूब बी निकालना पड़ता है ए टू द पावर फोर बी तक कैलकुलेट करना पड़ता फिर उनको मिला के एक डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता है और उस डिटर्मिनेंट को चेक करना पड़ता है कि क्या वो जीरो है या नॉन जीरो तो ऑब्वियसली so ये तरीका बहुत लेंदीय बट उसके अलावा आप इसमें कुछ ऑब्जर्व करके कैलकुलेट कर सकते हो क्या तो देखो मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही सिंपल सा लॉजिक आप यूज़ कर सकते हो वो कौन सा लॉजिक यूज़ करना है आपको ना यहाँ पे जॉर्डन ब्लॉक्स स्टूडें होते हैं कैसे पता लगता है कि कोई ब्लॉक जॉर्डन ब्लॉक है या नहीं तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका आप यहाँ पे देख रहे हो कि डायगोनली ये माइनस तीन माइनस तीन माइनस तीन रिपीट हो रहा है ठीक है तो पहला वाला माइनस तीन तो ठीक है सेकेंड वाले माइनस तीन के ऊपर आपको वन दिखेगा इस वाले माइनस तीन के ऊपर भी आपको वन दिखेगा तो जब भी आपके डायगोनल में एलिमेंट्स रिपीट होते हैं तो एक अंदेशा रहता है एक अंदाजा रहता है कि शायद वो जॉर्डन ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपने देखा ये माइनस तीन माइनस तीन माइनस तीन ये तीनों मिलकर एक जॉर्डन ब्लॉक बना रहे हैं उसके लिए आपने सिर्फ माइनस तीन के ऊपर के एलिमेंट्स चेक कर लिए यहाँ पे भी माइनस तीन के ऊपर के एलिमेंट्स चेक कर लिए यानी कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक आप एक जॉर्डन ब्लॉक की तरह कंसिडर कर सकते हो ठीक है चलो अब सेकेंड वाले पे आते हैं वैसे आपने तुरंत यहाँ पे भी देखा माइनस दो और माइनस दो ये दोनों रिपीट हो रहे थे और सेकंड वाले माइनस दो के जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ था वन यानी ये भी एक जॉर्डन ब्लॉक बन गया तो आपको क्या करना होता है जब भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो ए वाला मैट्रिक्स होगा ना उसमें आपको जॉर्डन ब्लॉक्स दिख जाएंगे एक जॉर्डन ब्लॉक ये दिखा एक जॉर्डन ब्लॉक ये दिखा अब देखो अगर आपको कंट्रोलेबिलिटी चेक करनी है ठीक है अगर आपको कंट्रोलेबिलिटी चेक करनी है तो एक सिंपल सा काम आपको क्या करना है हर एक जॉर्डन ब्लॉक के पास आप जाके खड़े हो जाइए और उसके लास्ट रो के पास चेक करिए ये था पूरा का पूरा जॉर्डन ब्लॉक इसके लास्ट रो के सामने वाले एलिमेंट्स को आप चेक करो तो अगर इसके लास्ट रो के सामने वाले एलिमेंट्स को आप चेक करोगे यार तो देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे आई थिंक सभी को दिख रहा है जीरो और वन अगर आपको ये जीरो और वन दिख रहा है तो बस इतना आप ये जज कर लो कि क्या ये दोनों एलिमेंट्स ज़ीरो थे या नहीं दोनों एलिमेंट्स तो ज़ीरो नहीं थे इसका मतलब यहाँ तक हमें जो कैलकुलेशन मिली या यहाँ तक जो हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन किया उससे ये पता चल रहा है कि ये मैट्रिक्स कंट्रोलेबल है मतलब फर्स्ट वाला जॉर्डन ब्लॉक हमें हिंट दे रहा है कि शायद ये कंट्रोलेबल हो सकता है अब सेकेंड वाले जॉर्डन ब्लॉक के लास्ट रो पे आइए और चलते हैं सामने यहाँ पर जब आप सामने चलोगे तो आप यहाँ पर चेक करके देखो यार क्या यहाँ पे सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो थे क्या नहीं सारे एलिमेंट्स इसके जीरो आ गए इसका मतलब अब आप बोल सकते हो कि ये मेरी मैट्रिक्स कैसी हो गई अनकंट्रोल ठीक है तो देखो है ना बड़ा सिंपल सा लॉजिक बिना कुछ किया आपने अंदाजा लगा लिया तो इसका मतलब क्या हो गया मतलब ये हो गया कि आप जॉर्डन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कर लो हर एक जॉर्डन ब्लॉक की लास्ट रो पे आ जाओ लास्ट रो के सामने जो बी में एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो नहीं होने चाहिए अगर वो सारे जीरो नहीं होते तो ये मैट्रिक्स आपकी हो जाती कंट्रोलेबल फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं वन लिख देता जस्ट फॉर द एग्जांपल इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके तो आप देखते एक जॉर्डन ब्लॉक ऊपर वाला एक जॉर्डन ब्लॉक नीचे वाला इसके सामने का एलिमेंट था जीरो और वन सारे जीरो नहीं थे इसके सामने का एलिमेंट था वन और जीरो सारे जीरो नहीं थे इस केस में ये मैट्रिक्स आपकी कंट्रोलेबल हो जाती ठीक है समझ गया ना सभी लोग लॉजिक अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ठीक है तो ये सिंपल सा लॉजिक है सेम चीज अभी हमें कंट्रोलेबिलिटी चेक चेक कर ली हमने सेम लॉजिक अब हमें ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए भी चेक करनी है तो अगर सेम लॉजिक आप ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए चेक करना चाहते हो तो आपको सेम फिर से जॉर्डन ब्लॉक के पास जाना है बट इस बार जॉर्डन ब्लॉक के फर्स्ट कॉलम्स को चेक कर लेना तो एक जॉर्डन ब्लॉक किया था एक जॉर्डन ब्लॉक किया था आप इनके कॉलम्स को जस्ट आप चेक करना स्टार्ट करो फर्स्ट कॉलम से आप नीचे आए आपके एक्सपेक्टेशन थे कि सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए थे तो यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो नहीं भी थे यानी ये थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा दे रहा है कि शायद ये ऑब्जर्वेबल हो सकता है दूसरे वाले जॉर्डन ब्लॉक के फर्स्ट कॉलम है आपने चेक किया कि यार यहाँ तो सारे ही एलिमेंट जीरो हो गए अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा अनऑब्जर्वेबल आगे ना लॉजिक सभी को समझ में ठीक है तो अभी किसी को डाउट रह गया क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा सा क्वेश्चन इसने आपके सारे डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि कब कब हमारा सिस्टम कंट्रोलेबल हो सकता है कब कब हमारा सिस्टम कंट्रोलेबल नहीं होगा कब कब हमारा सिस्टम ऑब्जर्वेबल हो सकता है कब कब हमारा सिस्टम ऑब्जर्वेबल नहीं होगा तो सिंपल सा काम क्या करना है जो भी ए मैट्रिक्स दे रखी है इसमें आपको ढूंढने जॉर्डन ब्लॉक्स जब आप ये जॉर्डन बॉग्स ढूंढ लोगे उसका तरीका मैंने बता दिया कि आप देख लेना वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी और रिपीटेड वैल्यू में ये माइनस थ्री है तो इसके जस्ट ऊपर मुझे वन चाहिए ये माइनस थ्री है तो इसके जस्ट ऊपर मुझे वन चाहिए सिमिलरली यहाँ पे दो वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी माइनस टू माइनस टू तो जो सेकेंड वाला माइनस टू है उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए वन चाहिए तो ये दोनों ने इंडिविजुअल जॉर्डन ब्लॉक्स बनाए जब भी आपको कंट्रोलेबिलिटी चेक करनी हर एक इंडिविजुअल जॉर्डन ब्लॉक के लास्ट रो के करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए जब भी आपको ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करनी है तो हर एक जॉर्डन ब्लॉक के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए तो ऐसा करके आप बहुत सिंपल तरीके से कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी निकाल सकते हो ठीक है तो चलो आज के सेशन में इतना ही तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका एक सेकेंड पार्ट थोड़ी देर में हम लोग करेंगे वहाँ पे कुछ हम लोग गेट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ अदर क्वेश्चंस की भी डिस्कशन करेंगे आ, ताकि आप ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ा एटलीस्ट आप टू थ्री क्वेश्चंस में इनको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ तो अगर आपको ऐसे सेशंस पस, पसंद आ रहे हैं आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना ये मेथड्स आपके लिए हेल्पफुल थे या नहीं और इस टेस्ट का एक बड़ा खास नाम होता है जिस नाम को शायद आप लोगों ने सुना भी होगा इस टेस्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं दिस टेस्ट इज समाइम्स नोन एज गिलबर्ट टेस्ट ठीक है इस तो बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है देखने में लगता है कि थोड़ा अजीब है बट एक दो बार जैसे ही हम अप्लाई करते हैं ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ट्रेंड हो जाता है और बहुत आसानी से एक गिलबड़ टेस्ट को प्रोसेस कर लेता है ठीक है चलो फिर आज के सेशन में इतना ही फिर इसके बाद इमीडिएटली दूसरा सेशन हम लोग करेंगे वहाँ पे इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ठीक है चलो उसके अलावा अनकेडमी पर आपका कॉम्बैट टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है तो अगर आपने कॉम्बैट अभी तक अटेंड नहीं किया तो कर लो डेट्स में बता देता हूँ चार तारीख ग्यारह तारीख और अट्ठारह और पच्चीस ये चार दिन आपके कॉम्बैट होने वाले हैं तो चार दिनों के लिए आप बिल्कुल तैयार हो और कॉम्बैट को सीरियसली आप अटेंड करो ताकि आपकी एक लर्निंग अच्छी हो पाए उसके अलावा आपने अभी तक अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लस को सब्सक्रिप्शन बनने करने का एक और रीज़न आपको दिख ही रहा है कि अगर कंट्रोल सिस्टम कल से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे कंसेप्ट आपको वहाँ पर बहुत डीप में सीखने को मिल जाए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो गेन मार्जिन मैंने आपको समझाया कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी के कंसेप्ट समझा दिए तो आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर सकते हो चाहे 12 मंथ का चाहे 18 मंथ का चाहे 24 मंथ्स का आप कोड लगा देना विशाल गेट या विशाल ए मेरा नाम लिख के उसके आगे गेट या ए लगा देना आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ साथ कंप्लीट uh, टीम के गाइडेंस भी मिल जाएगी उसके अलावा आप आइकॉनिक के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो बाई यूजिंग द सेम कूपन कोड बट यहाँ पर याद रखना कि अगर आपको लगता है आपको बहुत कॉन्स्टेंट पुश चाहिए तो हमेशा आइकॉनिक के लिए सब्सक्राइब करना क्योंकि तो फिर आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर मिल जाता है जो हमेशा आपकी हेल्प करता रहता है तो आप उनसे कोई से भी अपनी हेल्प ले सकते हो तो चलो फिर आज के सेशन में इतना ही और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सभी लोग याद रखना कि जितने भी ये आपके शॉर्ट सेशंस हो रहे हैं इन सारे सेशंस को शेयर करना मत भूलना क्योंकि तो हो सकता है ये पर्टिकुलर सेशन देख के किसी को कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसमें हमें और आपको एज ए कम्युनिटी काम करना है एज अ फैमिली काम करना है तो ये शॉर्ट सेशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए और सारी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए ताकि उनको एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में पता चले जिससे शायद हम लोग अछूते थे या ऐसे कंसेप्ट के बारे में पता चले जिनके बारे में शायद हमको पता होना चाहिए था ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू